बेमेतरा जिला मुख्यालय सहित आसपास के कई लोगों ने गलत जानकारी देकर बेमेतरा के इंडियन ओवरसीज बैंक से लगभग 14,56,09,663 रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसकी शिकायत बैंक के शाखा प्रबंधक राजू पाटनवार ने पुलिस से की है। पुलिस ने शाखा प्रबंधन की रिपोर्ट पर शाखा में बैंक मैनेजर रहे विनीत दास सहित अन्य 3 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस की माने तो शिकायतकर्ता बैंक मैनेजर ने ऋण लेने वाले लोगों की सूची सौंपी है, जिनमें शहर के कई रसूखदार भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बेमेतरा रज्जू पाटनवार द्वारा तत्कालिक बैंक प्रबंधक विनीत दास एवं उसके अन्य साथी कमलेश जोहन नागेश टीकाराम के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है कि इनके द्वारा नियम विरुद्ध लोन देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी किए हैं। इसमें धोखाधड़ी की कुल राशि है 14,56,09,693 रुपये। क्या कार्रवाई की? अपराध कायम कर विवेचना में है। विवेचना के बाद जो भी